को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे गत्या गत्यात्मक पश्चिमो तानासना। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर को आइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाना है और 5 सेकेंड तक रुकते हैं। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। सीधे इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना। ऐसे ही आपने सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। राइट हथेली से ऐसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं, फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से, फिर तीव्रता से ऐसे ही 20, 25, 50 बार कर सकते हैं। सीधे इसके बाद हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाइए, सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख ले या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से भी रख सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाएं, आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और ऐसे पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके और फिर इसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। 30 सेकंड तक रुकने के बाद फिर 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें, आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहे हैं और फिर 45 डिग्री के एंगल में लाते हैं, फिर 30 डिग्री के एंगल में, फिर नीचे। ऐसे ही अपने पैरों को 30, 45 और 90 डिग्री के एंगल में उठाते हुए इस अभ्यास को आप कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे पेट की मांसपेशियां भी काफी मजबूत बनती हैं। फिर रिलैक्स। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मरकट आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर से ऐसे सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लें और ऐसे आपके घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी रहे और अपोजिट साइड आपने देखना है और 10 से 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से जिन लोगों को पुरानी से पुरानी कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत होती है, वह शिकायत भी दूर होती है और यह अभ्यास हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना होता है, फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से 5 से 6 बार कीजिए। मरकट आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को करेंगे। ऐसे अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से भी रख सकते हैं, ऐसे रख लें और फिर अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाएं
और फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे लेफ्ट लेफ्ट साइड ऐसे ले जाते हैं, ऐसे कंधे की सिधाई में ले जाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 सेकंड तक रुकने के बाद फिर सेंटर में आइए, फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही दोनों साइड से कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास को अब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। ऐसे सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे लेफ्ट साइड ले कंधे की सिधाई में बिल्कुल ले जाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही रुकने के बाद फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधे लाते हैं और फिर दूसरी साइड से राइट साइड ऐसे ले जाएं, ऐसे अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के दोनों अंगूठों को पकड़ लें और अपोजिट साइड ऐसे देखते हैं। फिर सेंटर में आइए, फिर नीचे। यह इसका एक चक्र हुआ। ऐसे अपने दोनों पैरों को उठाते हैं, ऐसे ही से मध्यम गति के साथ करते हैं।